हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। सो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सिंह पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक इंग्लिश ग्रामर का बहुत अच्छा टॉपिक जो आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप खुद ब खुद इससे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो। हमें अपने डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस फ्रेम करते होते हैं, जैसे करने होते हैं, जैसे मुझे वहाँ जाना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे बाजार जाना है, मुझे सब्जी लानी है, मुझे खाना खाना है ना, मुझे लिखना है, मुझे पढ़ना है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिनके एंड में ना है, ने है, नी है आता है। उन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे फ्रेम करते हैं आज वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इज़ टू, एम टू और आर टू का यूज़ हमने कैसे करना है ये आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। जिन भी सेंटेंसेस का एंड होता है ना है, नी है, ने है से, उनके लिए हम या तो इज टू का यूज़ करेंगे, एम टू का यूज़ करेंगे या आर टू का यूज़ करके हम उन सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे, ठीक है? इनका यूज़ उन कामों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जो प्लान्ड होते हैं, ठीक है? जो एक्शंस प्लान्ड होते हैं, आपको पता है कि मुझे खाना खाना है, मुझे शाम को ट्यूशन जाना है, मुझे शाम को मार्केट जाना है, जो काम आपने पहले से प्लान कर रखे हैं, ठीक है? उन कामों को एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसका यूज़ करना है? इन तीनों का, ठीक है? इज टू का, एम टू का या आर टू का यूज़ करके हमने सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। तो जैसा कि देखिए, मैंने यह एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है? ना है से एंड हो रहा है, मुझे दिल्ली जाना है, मतलब प्लान किया हुआ है मैंने कि मैंने जाना है। सो आई एम टू गो टू दिल्ली, ठीक है? आई एम टू गो टू दिल्ली, ओके? तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद इज टू, एम टू या आर टू में से कोई एक रहेगा, ठीक है? ये किस पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस टू रहेगा, प्लूरल है तो आर टू रहेगा, और यहाँ आई है तो एम टू रहेगा, ठीक है? उसके जस्ट बाद हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, मतलब मेन वर्ब लिखेंगे हम यहाँ, मेन वर्ब, ठीक है? और उसके बाद में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ओके? ये स्ट्रक्चर है हमारा इन सेंटेंसेस को फ्रेम करने का, ठीक है? दूसरा देखो एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि उन्हें क्रिकेट खेलना है, दे आर टू प्ले क्रिकेट, ठीक है? अब कुछ लोग यहाँ हैव टू का यूज़ करते हैं, लाइक दे हैव टू प्ले क्रिकेट। अगर हम हैव टू का यूज़ करते हैं वो एक ऑब्लिगेशन होता है, बट जब हमारा को काम पहले से प्लान होता है हम उसके लिए आर टू का यूज़ करेंगे, ठीक है? हमें खेलना है मतलब खेलना है, हमने पहले ही प्लानिंग कर रखी है। तो इसके कुछ नॉर्मल से बेसिक से रूल्स हैं वो मैंने यहाँ आपके लिए लिखे हैं। रूल नंबर वन क्या कहते हैं कि इज टू, आर टू एंड एम टू के जस्ट बाद मेन वर्ब का यूज़ होता है। इसके जस्ट बाद आपने मेन वर्ब का यूज़ करना है, मैंने यहाँ स्ट्रक्चर में भी आपको लिख के बता दिया है, ठीक है? कौन सी फॉर्म का? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज टू, प्लूरल है तो आर टू, आई है तो एम टू का यूज़ आपने करना है, ठीक है? समझ आया यहाँ तक? आई होप समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इन सेंटेंसेस को हमें कैसे फ्रेम करना है। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं हिंदी में आप लोगों के लिए, ठीक है? ना, ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है कि मुझे बाजार जाना है, ठीक है? उसे पढ़ना है, हमें अपना गृह कार्य करना है, उसे पुस्तक नहीं खरीदनी है। तो सारे के सारे सेंटेंसेस है ना है, ने है या नी है से ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है? एंड हो रहे हैं। तो इन सेंटेंसेस को जब हम फ्रेम करेंगे इंग्लिश में तो हम कैसे करेंगे? बाय यूजिंग इज टू, एम टू, आर टू। चलिए करते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर इसका पहले ही बता दिया है। सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ? मुझे, मुझे मतलब आए, ठीक है? उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है? इज है, लाइक इज टू, एम टू और आर टू में से कोई एक, ठीक है? तो आई, आई के साथ तो एम टू का यूज़ होगा, आई एम टू, ठीक है? आफ्टर दैट वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जाना है मतलब गो, आई एम टू गो टू मार्केट, बाजार का क्या आ गया? मार्केट, क्लियर? ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर में आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज टू, एम टू, आर टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये हमारा स्ट्रक्चर है जो हमें इसमें फॉलो करने हैं, ओके? मुझे, उसे पढ़ना है, उसे मतलब या तो वो ही हो सकते हैं, शी हो सकते हैं, आप कुछ भी लिखिए, ठीक है? शी, अब शी या ही जो भी है वो सिंगुलर है तो शी के साथ क्या आ जाएगा? इज टू आ जाएगा। शी इज टू पढ़ना मतलब रीड, शी इज टू रीड, बस सेंटेंस खत्म। बहुत सिंपल सा सेंटेंसेस है,
ठीक है, आगे देखिए, हमें अपना गृह कार्य करना है, हमें अपना गृह कार्य करने हैं, तो हमें मतलब वी वी के साथ क्या आएगा, इस टू नहीं आएगा क्योंकि इस टू सिंगुलर के साथ आता है, वी प्लूरल है, तो वी आर टू। ठीक है, गृह कार्य करना है मतलब डू, वी आर टू डू आर, अपना गृह कार्य मतलब आर होमवर्क। ठीक है, वी आर टू डू आर होमवर्क, हमें अपना गृह का कार्य करने, होमवर्क करने, उसे पुस्तक नहीं खरीदनी है। अब ध्यान से देखो, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, पॉजिटिव थे, पढ़ना है, जाना है, करना है, इसमें है नहीं करना है, नहीं खरीदनी है, नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव में आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिंपली क्या करना है, उसमें हमें नोट ऐड कर देने हैं, उसे पुस्तक नहीं खरीदनी है, उसे मतलब ही, ठीक है, ही के साथ इज आ जाएगा, ही इज नॉट टू बाय बुक। ठीक है, अब यहां एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने नोट का यूज तो कर दिया है, बट नोट का यूज कहाँ करना है उस चीज का याद रखना है। आप इज टू के बाद नोट नहीं लगाओगे, लाइक ही इज टू नॉट बाय बुक, नहीं, ही इज नॉट, इज के बाद नोट लगेगा, आर के बाद नोट लगेगा, एम के बाद नोट लगेगा, ही इज नॉट टू बाय बुक। ठीक है, दे आर नॉट टू बाय बुक, आई एम नॉट टू बाय बुक। ठीक है, सो इज ए मार्क के जस्ट बाद हमने नोट लगाना है, उसके बाद टू लगेगा, देन वो ही फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं, मुझे तुमसे नहीं मिलना है, अगेन नेगेटिव सेंटेंस है, मुझे तुमसे नहीं मिलना है, सो मुझे मतलब आई, आई एम, आगे नोट आ जाएगा नेगेटिव है, तो आई एम नॉट टू मीट विद यू या मीट यू, ठीक है, विद यू करो या यू करो, ठीक है, मुझे तुमसे नहीं मिलना है, ओके, आई एम नॉट टू मीट यू या नॉट टू मीट विद यू। उन्हें पार्टी में नहीं जाने है, अगेन नेगेटिव सेंटेंस, उन्हें मतलब दे, ठीक है, प्लूरल में आ गया दे, अब दे के साथ क्या आएगा, इज टू आर टू या एम टू, आर टू ना, सो दे आर नॉट टू, नॉट क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये नहीं लिखा हुआ है, नेगेटिव में है, ठीक है, सो दे आर नॉट टू गो टू पार्टी। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। ठीक है, आगे देखिए, यहां हमने अफर्मेटिव कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो गया, ये लास्ट वाला टाइप हमारा आ गया जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, क्या उन्हें पार्टी में जाना है, हम किसी से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या जाना है, क्या उन्हें जाना है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सिंपली यही सेम स्ट्रक्चर रहता है, बस जो इज टू एम टू आर टू है, तो इस मार्क को हम बिगनिंग में ले आते हैं, सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, क्योंकि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हम बिगनिंग में करते हैं। ठीक है, क्या उन्हें पार्टी में जाने, उन्हें के लिए हम दे का यूज करेंगे, तो दे क्या है, प्लूरल है, तो क्या लग जाएगा, आर, सो आर दे टू। ठीक है, अब देखो, आर टू को इकट्ठा बाहर नहीं लेके आना, ठीक है ना, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आर टू दे गो टू पार्टी, नहीं, वो गलत हो जाएगा, आर टू को नहीं उठाने, सिर्फ आर को उठा के हमने आगे लिख देना, जैसे हमने मान लीजिए ये सेंटेंस किया है कि दे आर नॉट टू गो, तो ये आर को हटा के अगर हम फ्रंट में ले आएंगे तो आर दे नॉट टू गो टू द पार्टी, वो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव में हो जाएगा, क्या उन्हें पार्टी में नहीं जाने, तो हमें यहाँ लिखना है कि क्या उन्हें पार्टी में जाने, सो आर दे टू गो टू पार्टी एट द एंड क्वेश्चन मार्क, क्या उसे नई शर्ट खरीदनी है, अगेन क्वेश्चन, क्या उसे नई शर्ट, उसे मतलब ही, तो ही के साथ तो इज आएगा, इज ही टू बाय, अब देखो यहां ही इज टू बाय लिखते, अगर हम ये सिंपल सेंटेंस होता तो ही इज टू बाय, अब इज को उठा के मैंने फ्रंट में लिख दिया क्योंकि सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं जो बताना चाहता हूँ, तो इज एम आर को बिगनिंग में रखेंगे, टू को बाद में ही लगाएंगे, सो इज ही टू बाय अ न्यू शर्ट एट द एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ही इज टू बाय, इज ही टू बाय अ न्यू शर्ट, क्या उसे पढ़ाई नहीं करनी है, अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में आ गया, इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव में है, तो क्या उसे, इज ही नॉट टू, देखो सेम सेंटेंस है ये वाला, आई एम नॉट टू मीट, तो एम को उठा के आगे लिख दिया, मान लो एम आई नॉट टू मीट, ऐसा ही हमने इसमें किया है, इज ही नॉट टू
डू स्टडी, इज ही नॉट टू डू स्टडी, क्या उसे पढ़ाई नहीं करनी है? ठीक है, ही इज टू स्टडी है, उसे पढ़ाई करनी है। इज ही नॉट टू स्टडी, ठीक है, नॉट टू स्टडी, ओके, क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है ये, बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक है, आपको डेली यूज़ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम करने पड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत परेशानी होती है, दिक्कत होती है। अगर आप ये कंसेप्ट समझ जाते हो तो आप इन सेंटेंसेस को इजीली फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।